उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सेवाएं देने के बाद सेंट जॉन एम्बुलेंस पुरी जगन्नाथ धाम के सदस्य पुरी पहुंचे। पुरी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उनका सेंट जॉन एम्बुलेंस के पुरी जिले के जॉइंट संपादक मधुसूदन मिश्रा जगन्नाथ धाम ब्रिगेडियर एवं कमांडर का स्वागत किया और सभी सदस्यों की तारीफ की। प्रयागराज में सर्वोत्तम सेवा प्रदान करके सभी बहुत उत्साहित थे। इन्होंने 2 फरवरी को प्रयागराज जाकर सेंट जॉन एम्बुलेंस के शिविर में हिस्सा लिया था। इनके द्वारा त्रिवेणी संगम पर सभी भक्तों को मास्क बांटे और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। इस राष्ट्रीय शिविर में ओडिशा राज्य से 10 सदस्यों ने भाग लिया। इन्होंने पूरा दिन और रात कैंप में गुजारते हुए लोगों की सेवा की। पूरी जगन्नाथ धाम से गए सेंट जॉन एम्बुलेंस के सदस्यों की स्थानीय लोगों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने व पुलिस अधिकारियों ने प्रयागराज में जमकर तारीफ की। इस दौरान सेंट जॉन एम्बुलेंस के लाला अनंत कुमार सिंह को एक भक्त का परस मिला, जो कि उन्होंने मौके पर उपस्थित पुलिस अधिकारी को सौंप दिया। ये देखकर सभी ने लाला अनंत सिंह और उनकी टीम की खूब तारीफ की। पुरी सेंट जॉन एम्बुलेंस के जॉइंट संपादक मधुसूदन मिश्रा की देखरेख में पुरी से सेंट जॉन एम्बुलेंस के 5 सदस्य प्रयागराज गए थे। लाला अनंत सिंह के सहयोग से ब्रिगेड के सदस्य अजय प्रधान, जी बापी, विक्रम बेहरा, रमाकांत जेना ने प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर अपनी सेवाएं प्रदान की। पुरी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर मधुसूदन मिश्रा, जजाति केशरी नायक, राजकिशोर महापात, निर्मल प्रधान, भीमसेन साहू, रविंद्र कुमार आदि ने मिलकर प्रयागराज से वापस लौटे सेंट जॉन एम्बुलेंस के 5 सदस्यों का स्वागत किया। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए ओडिशा के पुरी जिले से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। परिचय अनंत कुमार सिंह, कमांडर से जगन्नाथ एम्बुलेंस डिविजन। कि भली भाबे प्रयागराज रे माघ मेला रे आपण मन योगदान करले, पूरा डिटेल्स कोंतु केमती थिला 7 दिन जो सेवा कार्य? नहीं, बहुत सुंदर थिला कार्य, कारण से बहुत संख्यक माँ मैंने आसते साधु सन्त आसते, कारण से बहुत सुंदर कार्यक्रम से आम ग्रुप जो जाते डिजन तरफ जाते जगन्नाथ एम्बुलेंस डिजन तरफ प्लस भुवन सेन डिजन तरफ जाते, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। कारण सेठिकार सेठिका आम देखा पाइल प्रयागराज में बहुत संख्यक साधु सन्त से जगह योगदान देते, आहत बहुत माँ मैंने भी योगदान देते, बहुत पिंडदान देवाप बहुत संख्यक मैंने आम भारत बर्ष बहुत लोग आसदान देते, जहाँकि आम कम था प्रथम प्राथमिक चिकित्सा करवा, तर हजि जाता लोक आखिरी पहुँचवा, पानी से बुड़ी जाता लोक आर उठे पहुँचवा, ता सहित जो चोरी बुरी जो लोग मनिपर्स पकड़ जाए पक नहीं पुलिस पहुँचवा, ये सब कार्यक्रम पे शुणिलु आप मनिपर्स पाई फेरे देते पुलिस को भितर किए मनिपर्स किसी पकड़ मार बजार कर देखाला बाटे पड़ता सांगे सांगे पाइल तर 820 टाँगा से मनिपर्स थुआ होता सीटा नहीं पुलिस स्टेशन में जमा देलु। पुलिस सेठिकार इनचार्ज अच्छे बहुत खुशी है, सेठिकार आडिशनाल एसपी हरिका सब आसते बहुत खुशी है, कारण जहाँ एत गहली भितर आम गोटे मनिपर्स पाइचु आपन सेंजनामल बहुत धन्यवाद। तेणु यू जिन आम ब्रिगेड जो मैंने थे ये सका रात 4 जा सेवा देते सका 8 पर्यंत पुणी आसी पुणी दुनिया 10 पर्यटन पुणी 2 पर्यटन सेवा देते पुणी पुणी उपर पुणी 4 रात 8 पर्यंत से जगह उपस्थित थे, कहीं कौ मुहूर्त में कार कौन हम ठीक मैंने जना पड़ा था, हठात लोकों देखाई हठात आसी पहुंची गोड़ कटी जाएगी सांगे सांगे ब्यांडेज कर पठा जाए, यू कार्य पाला सेवा कार्य थे उपस्थित धन्यवाद। जो रही थे 5 जन स्वेच्छासेवी पुरी रू जाते एन कौन कह मुझे मधुसूदन मिश्र जॉइंट सेक्रेटरी पुरी जिला सेंट जॉन एम्बुलेंस एक गुरु दायित्व देते सेंट जॉन एम्बुलेंस सेक्रेटरी कम कमिशनर एवं आम कार्यालय मुख्य गिरीश शतपथी जे कि भावे आम स्वेच्छासेवी मैंने उत्तर प्रदेश प्रयागराज जा माघ मेला योगदान करी सेठारे सेवा कार्य करिवे से आह्वान को आमे स्वीकार करथिलु एवं 5 जन पुरी रो स्वेच्छासेवी पुरी रु यात्रा आरंभ करथिले एवं 5 जन स्वेच्छासेवी भुवनेश्वर जाइथिले 10 जन मोट उपरे उत्तर प्रदेश रो प्रयागराज रे माघ मेला रे शामिल हेथिले एवं गंगा कूल रे जो टेंट लागितला से टेंट रे पूरा दिन राति माने कहियो गले दिन बेला मध्य सेई टेंट रे से माने उपस्थित रहुतिले, राति बेला मध्य सेई टेंट रे ही से माने रहुतिले एवं दिन बेला जो माने बुढ़ पकाय पासतिले माघ मेला रे किंबा श्राद्ध पितृ श्राद्ध करिया पई आस्तिले जदि केई आहत होतिले किंबा कहार आवश्यकता रही था पानी रो किंबा कहार आवश्यकता रही था ओआरएस रो
ଏବଂ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା କିମ୍ବା କିଏ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମାଘ ମେଳା ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଯଦି କିଏ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଭାବେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ପୁରା 2 ତାରିଖରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ 3 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିକିରି 3 ତାରିଖରୁ ପୁରା 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଏଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇକରି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅନୁଭୂତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଇ ପଠାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ରହୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶେଷରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତଥା ପୁରୀ ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜଗନ୍ନାଥ ଡିଭିଜନ୍ ଟୁ ସଦସ୍ୟ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ଲାଲା ଅନୁ ପଟଭନ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରୟୋଗ ଯାଇ ସାଧାରଣ ସେବା କରି ତାଙ୍କର ଦେବ ସମାନ୍ତ ଆଜି ପୂରିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସେ ସେବା କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କେତେ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କଲେ କ'ଣ କଲେ ସେମିତି ତ କହିହେବନି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ଼ କଲା 4ଟାରୁ ଉଠି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ଲୋକଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ସେବା କଲେ ସେବା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବ୍ରିଗେଡ଼ ହିସାବରେ ଅଛି କେମିତି ଥିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ କହିବି ହେବନି ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା ଇଏକରି ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମଧୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର କମାଣ୍ଡର ଯେ ଲାଲନ ସିଂହଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି ଆମକୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ 2025 ଯଦି ବା ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଟିମ୍ ପୁରୀରୁ ଯିବ ଯାଇକରି ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶିକରି ରଖିଛୁ ଆମେ ସେଠି ସ୍ପେଶାଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ସହିତ ବିକ୍ରମ ବେହେରା ପୁରୀ ସେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଆମ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଏବଂ କମାଣ୍ଡର ଲାଲନ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ସେବା କରିଆସିଛୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ADMଠୁ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେହେତୁ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଲ କାମ କରିକି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରୀ ଧାମରୁ ଯାଇଛୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚୋରି ଟଙ୍କା କଥା ହେଇଥାଉ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ବାହାର ଦେଶରୁ ଯେହେତୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତମ ପରିଚୟ ମୁଁ ପରିଚୟ ହେଲା ଜି ବାପି ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆମେ ପୁରୀରୁ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲୁ 5 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ସହିତ ଲାଲା ଅନନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଟିଭିର ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼ ବି ହୋଇଥିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥିଲୁ ପ୍ରାଥମିକ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସେବା ଯୋଗାଇଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ
लाइफ रो केमती थिला हां बहुत भलो थिला आ एक्सपीरियंस था किंतु आमे बाबी नतुल आमे चिंता कर नतुल आमे जीव बोली बलिया जागा को बहुत पवित्र जागा थिला सेटा बहुत संख्या लोक पूरा बहुत भीड़ भीड़ होइतिले बहुत लोकों को भी हेल्प करतलो निजे जगन्नाथ आपका पहचान अब कितने दिन से इधर पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ हम लोग 35 दिन कर रहे हैं एक महीना 5 दिन आज जो कौन कौन सी पूजा चल रहा है आज हवन हो रही था आज मांग की पूर्णिमा की चल रही पूजा कथा है हवन है सब यही तो हाँ लास्ट में जो है लास्ट है ये अब महाराज जी अन्य क्षेत्र भी चलाते हैं वो जो कुंभ मेला कितना दिन से चल रहा है इधर यहाँ हम लोग कर रहे हैं कि हम मांग शुरू से यहाँ पे रहते हैं पूर्णिमा से जो है मांग जो होती है इसी लेकर पूर्णिमा तक पूरा एक महीना चलता है इसको बोलेंगे माघ माघ मेला भी बोलेंगे माघ मेला मकर संक्रांति का स्नान जब मकर राशि में सूर्य आते हैं तभी से ये जो है चालू हो जाता है माघ मेला पूरा एक महीना पूर्णिमा से चालू होता है पूर्णिमा तक बहुत लोग कल्पवास करते हैं 12 साल तक करते हैं इसके बाद सैया दान वगैरह कर दो 12 साल 5 साल जिसकी जितनी इच्छा होती है और फिर सैया दान करके पूजन करा के भंडारा अच्छे चलता है सब इधर तो हम देखे हैं साधु संतों को देखे हैं लोग को भी देखे हैं कैसे कैसे मनोकामना लेके आते हैं इधर मनोकामना से यहाँ लोग आते हैं भगवान श्रद्धा विश्वास से आते हैं माता जी की और मानता क्या मानती है ऊपर वाला गंगा माता के पास में जो मनोकामना करते पूरी होता है पूरी होता है मन से।